जैसे महासागर में अनंत अनंत नदियां भी समा जाएं, तो समुद्र का लेवल नहीं बढ़ता, उसकी मर्यादा भंग नहीं होती, वो सब चीज़ों को अपने में समेट लेता है। उसी प्रकार से जो मनुष्य भीतर से शांत हो जाता है, विशेष संवेदनाएं, उनके विकार जब भीतर प्रवेश करते हैं, उसके मन में अंतःकरण में प्रवेश करते हैं, तो भीतर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, उसके अंदर गहन शांति रहती है। दुनिया के विषय दिखते हैं, चीज़ें दिखती हैं, परंतु उनके लिए पागल नहीं हो जाता, भागता नहीं है उन्हें प्राप्त करने के लिए। अंदर इतनी गहन शांति होती है कि चीज़ें हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। वो झोपड़ी में भी प्रसन्न है, महलों में भी प्रसन्न है, उसकी प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आती। भीतर से प्रसन्न चट्टान की भांति स्ट्रांग अचल हो जाता है व्यक्तित्व, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार, परंतु भीतर का बैलेंस नहीं हिलता। भीतर का बैलेंस समता वही रहती है, वो नहीं हिलती। विषयों के बीच रहेगा इंद्रियों द्वारा, वह इस संसार में विचरण करेगा, परंतु भीतर की शांति नहीं खोएगा। जो भोगों के प्रति भागते हैं, इच्छाओं के प्रति भागते हैं, उनकी शांति भंग होगी और ऐसा मनुष्य विनाश को उपलब्ध होता है। हमारे भारत में कहा जाता है, इन इच्छाओं को कम करो, और वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है इच्छाओं को बढ़ाओ। अगर इच्छाएं बढ़ेंगी तो नई नई चीज़ें आएंगी, परंतु मन तो भटकेगा। नई नई इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मनुष्य फिर कुछ भी करेगा, और किसी की कोई गलत इच्छा यदि जाग जाती है तो समस्त मानव जाति का विनाश कर सकती है। कोई एक साइंटिस्ट कोई गलत इच्छा से कभी कोई एक प्रयोग करे तो समझिए वह संपूर्ण मानव जाति का विनाश कर सकता है। ये इच्छाएं नाश करती हैं, परंतु वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है इच्छाएं बढ़ाओ, और भारत की फिलॉसफी कहती है इन इच्छाओं को कम करो, अपने भीतर अपनी आत्मा से जुड़ो। जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तब आंतरिक प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, और इस जगत को आप एक परिवार मानते हैं, और परिवार की फिर रक्षा करना शुरू करते हैं, परिवार के कल्याण के लिए सोचते हैं। तो भगवान कहते हैं जो स्थित प्रज्ञ होगा वह समुद्र की भांति हो जाएगा, जिसके अंदर सारी नदियों का जल भी समा जाए तो भी मर्यादा भंग नहीं होती। कितने भी विषयों की संवेदना आए, परंतु भीतर एक शांति रहती है। तो ऐसा ही शांत चित्त हमें भी होना है।